प्रयागराज के नव नियुक्त डीएम नवनीत चहल ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डीएम ने पत्रकारों से भी मुलाकात की। इस मौके पर डीएम ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार विकास कार्यों को आगे बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और उनके कार्यकाल में जनता उनसे सीधे मिल सकेगी, इसके लिए जल्द ही समय निर्धारित किया जाएगा। यूपीएसटीएफ की प्रयागराज की टीम ने आज फिर से शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को सटीक सूचना मिली कि 3 शराब तस्कर ट्रक से दूसरे प्रदेशों से शराब लाकर हरियाणा छत्तीसगढ़ में सप्लाई करेंगे। एसटीएफ ने लखनऊ राय बरेली के रास्ते पर ट्रक को रुकवाया और तलाशी ली तो 90 लाख की शराब बरामद हो गई। कौशाम्बी जिले के जिला पंचायत के 14 सदस्यों ने प्रयागराज पहुंचकर मंडल आयुक्त को सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। जिला पंचायत सदस्यों का आरोप है कि जिला पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर उसकी जांच नहीं की जा रही है। सदस्यों के मुताबिक संवैधानिक अधिकारों का हनन एवं उत्पीड़न से परेशान होकर वह सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। 14 सदस्यों के एक साथ इस्तीफा देने से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।